हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नमस्कार, कैमन आछो सबाई? तो पीहू रेडी हो चुकी है, अब बस स्कूल जा रही है। उसके बड़े पापा आ रहे हैं, अभी खिचड़ी देने गए हैं हॉस्पिटल, उसके बाद चलना है। चलो बाई करो, चलो फटाफट। पापा आ गए, फिर छोड़ देंगे। चलो मैं बैग लेके चल रही हूँ। सो पीहू को स्कूल भेज के और देवरानी जी के लिए खिचड़ी भेज के और मैं नहा धोके हो गए रेडी। और हस्बैंड जी भी अब सेंटर चले गए हैं, उनको मैंने चाय दे दिया था सेंटर में ही, और मैं भी बस थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। चाय पीते साथ ही मैं खाना बिठा देती हूँ, क्योंकि आज जो है मेरी भाभी जी नहीं आई है, जो मेरी देवरानी की भाभी है वो नहीं आई है, क्योंकि बच्चे वगैरह स्कूल गए होंगे तो सारा काम मुझे करना है ऊपर नीचे। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर नहीं आती तो मैं कर लेती हूँ फटाफट। सो फटाफट थोड़ी सी चाय पी के और मैं खाना बिठा देती हूँ। सो सुबह ही कस्टमर आ गए थे पार्लर में, क्योंकि रात में कस्टमर आ गए थे तो मैंने मना कर दिया था, तो वो लोग सुबह ही आ गए थे, तो उनका काम भी हो चुका है। और क्या कहते हैं, मैं चलती हूँ खाना बनाने। और बिटिया भी उठ गई है, बिटिया ने बोला मम्मी थोड़ी सी चाय भी बना लो। सो खाने के साथ साथ चाय भी बना लेते हैं, दोनों काम एक साथ कर लेंगे। तो सब्जी वगैरह मैंने ले लिया है, क्योंकि सब्जी वाला गेट पे ही आ गया था, तो मैंने फटाफट ले लिया सब्जी। तो आज खाने में देखिए क्या बन रहा है। तो आज बन रहा है करेले की भुजिया, और करेले के साथ जो है मैंने एक आलू भी डाला है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है करेले में आलू डाल के ऐसे थोड़ा सा भुजिया बनाने का, तो कहते हैं कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। और बना रही हूँ आज गोभी की सब्जी तरी वाली। तो भुजिया चढ़ा दिया मैंने, और भुजिया के साथ साथ मैं चाय भी बना रही हूँ, क्योंकि बिटिया उठ गई है तो कह रही थोड़ा सा चाय बना दो। और हमने भी चाय नहीं पिया है नहाने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया, और खाना भी मैं फटाफट चढ़ा दे रही हूँ। करेले में तड़का लग चुका है, अब बस हम फटाफट बिठा देते हैं चाय। और देखिये, कल जो धनिया था मैंने चटनी नहीं बना पाई, क्योंकि टाइम नहीं था बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा हवड़ दबड़ हो गई थी, तो मैं चटनी नहीं बना पाई कल। तो मैं आज बनाऊंगी इसको मस्त वाली मिर्ची डाल के चटपटा करके। और बिटिया कह रही कि मुझे करेले में आलू पसंद नहीं है, तो मैंने कहा तुम करेला खा लेना, हम आलू खा लेंगे। भाई ऐसे ही हो सकता है ना, अलग अलग ऐसे डिवाइड कर देंगे। तो चलिए फटाफट चाय बना लेते हैं। और बेटे के लिए मैंने आलू की भुजिया बना दी, देखिए ऐसे करारा करा करके, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी वाइट सा रहेगा ना तो बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो कहता है कि बिल्कुल करारा करके बनाओ। के साथ साथ बेटी को मैंने दो पराठे भी बना दिए, मैंने कहा कोई बात नहीं पराठे भी खा लेगी, और बिस्किट वगैरह रहने देते हैं। सो चाय पराठा खा रही है वो भी। सो हमारे पड़ोस में देखिए शादी हो रही है, तो आज गंगा जल भरने जा रहे, क्योंकि आज हल्दी का फंक्शन है। तो सभी लोग देखिए पीले पीले लग रही, सारी महिलाएँ कितनी सुंदर लग रही हैं, और जा रहे हैं हमारे गंगा जी में जल भरने। हो रही है तो आज उनकी हल्दी है, तो सभी लोग गंगा जी गए हैं जल भरने के लिए, कितने गाजे बाजे के साथ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कभी हम भी जाएंगे अपने बेटे और बेटी के लिए। तो सो फाइनल बस मैंने गोभी की सब्जी बिठा दी है। और मैंने देखिए हरी मिर्ची तेल में फ्राई किया है, और इसमें मैंने नमक डाल के रख दिया है। सो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आज जो है मैं अलमारी भी थोड़ा सा सेट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए कपड़े वगैरह निकाले, शादी पार्टी में गए तो बस कपड़े निकालना है और रखना है, कपड़े निकालना है और रखना है। इस वजह से थोड़ी तय भी खराब हो गई, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा अलमारी लगा लेते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा शादी में भी जा रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पहने क्या ना पहने। जब कपड़े निकालने जाओ तो मूड ही खराब हो जाता है, समझ में नहीं आता है, किसी का ब्लाउज कहीं रखा है, किसी का पेटीकोट कहीं पर रखा है, और फिर लास्ट में कुछ और पहन के ही चली जाती हूँ। सो हम कपड़े वगैरह लगा रहे थे, और इतने में हमारी कस्टमर आ गई है, तो उनका जो ब्लीच वगैरह है, किसी की थ्रेडिंग है, तो वो काम कर लेते हैं। ब्लीच मैंने लगा दिया है, जो मेरी कस्टमर बैठी है। और बिटिया अब चाय बना रही है, क्योंकि सर्दी से उसका जो बुरा हाल हो रहा है, एकदम पानी टपके जा रहा है उसके नाक से। सो चाय का भी टाइम हो गया था, तो बिटिया ने तो चाय बना लिया है, बाकी मैं उनका काम कर लेती हूँ। स्वेटर हमने डाल लिया, क्योंकि आज बहुत ठंड है ऋषिकेश में, जो कि दो दिन से गर्मी थी लेकिन आज बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, मौसम खराब हो गया, काले काले बादल छा रहे हैं। तो बस अब फेस वगैरह साफ करते हैं उनके, और बाकी देखते हैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड है, थोड़ा सा बातचीत भी करते हैं उनके साथ में, और उसके बाद करते हैं अपना ये वाला काम। ये जो काम है ये बस। सो गाइज, आज देखिए मेरी फ्रेंड आई है, और फ्रेंड आई है थ्रेडिंग बनाने के लिए, क्योंकि इनके पड़ोस में, सुन लो मेरी फ्रेंड का भी सुन लो, बोलो।
हेलो दोस्तों बोलो। हेलो दोस्तों। हाँ तो इनके पड़ोस में शादी है तो भैया सजना दजना तो बनता ही है, शादी किसी की भी हो सजना दजना हमारा अधिकार है। तो बस थ्रेडिंग बनाने आई मेरे फ्रेंड और बिटिया ने चाय बना दिया तो कह रही कि चलो चाय पी लेते हैं। सो हमने कहा कि जब हमारी फ्रेंड आई है तो सब दोनों मिलके थोड़ी थोड़ी चाय पी लेते हैं। चलो तो एक कस्टमर आई है फेशियल के लिए तो ब्लीच मैंने उनके कर दिया और फटाफट मैं कर रही हूँ फेशियल। फेशियल दे रही हूँ मैं डायमंड का, तो उनको भी कहीं जाना है जल्दी इसलिए बोला है कि ज़रा जल्दी फेशियल कर दीजिए, तो मैं फटाफट उनका फेशियल कर दे रही हूँ। कस्टमर भी था, फेशियल वगैरह भी था और हाथ के हाथ मैंने फिर देवरानी के लिए खिचड़ी भी बिठा दिया और फेशियल वगैरह करके और खिचड़ी बनने के बाद अब खिचड़ी भी बिठा दिया है मैंने। और अब बज रहे हैं 8:15, तो जल्दी जल्दी खाना भी बना लेते हैं, तो खाना भी बनता रहेगा काम भी चलता रहेगा। हस्बैंड जी का ऑर्डर है कि सब्जी जो है जीरा पीस के बनाओ, तो मैं अब जीरा पीस लेती हूँ सिलबट्टे पे। तो मैं सब्जी में डाल रही हूँ ये छोटे वाले सोयाबीन, क्योंकि बड़े वाले जो है वो अच्छे नहीं लगते और ये छोटे वाले डाल रही हूँ। टमाटर मैंने कद्दूकस कर लिया और तड़के के लिए जो है जीरा और सूखी मिर्ची दो और थोड़ी सी हींग मैंने निकाल दी है। बस फटाफट हम लगा देते हैं तड़का। तड़के से पहले हम सोयाबीन को पहले भून लेंगे, उसके बाद फिर हम सब्जी को छोकेंगे। तब देवेश खाना खा रहा है, देवेश खा रहा है आलू सोयाबीन की सब्जी और धनिया की चटनी है ना। यस यस। और पीहू के लिए बन रहा है रोटी और हस्बैंड जी लगे हुए हैं टीवी देखने में, मोदी जी को। अच्छा मोदी जी को देख रहे हो, अपने बचपन के प्यार को देख रहे हो। कितने मेहनत कर रहे हो, देखो प्यार ना हो जाए मोदी जी से। नहीं कितनी मेहनत कर रहा है, मतलब रात को इस समय 10 बजे तो तुम भी तो सीखो ना मोदी जी से, देखो कितनी मेहनत कर रहा है। देखो इंडिया नंबर 1